हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी डीटीएच। दोस्त, आज के वीडियो में देखेंगे ये डिस्क्रिप्टिव स्विच की जगह अगर हम ये जॉइंटर को यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, एक्चुअल में ये काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले जान लेते हैं ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव स्विच है कैसे काम करते हैं। जब हम एक से ज़्यादा सेटेलाइट को ट्रैक करते हैं तो LNB को LNB के पोर्ट के हिसाब से LNB 1, 2, 3, 4 इस तरह से लगा देते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव कैसे काम करता है, जैसे एक डायग्राम को देखिएगा, तो जैसे हम पावर देते हैं, पावर जाता है सीधा सेटअप बॉक्स के अंदर। सेटअप बॉक्स क्या करता है, जब हम मान लीजिए कि ये वाला LNB का चैनल हम देखना चाहते हैं, चाहे कोई किसी सेटेलाइट पे सेट हो, तो ये सिर्फ इसमें पावर देता है। उस समय इसका जो पावर है ये बंद रहता है, सिर्फ इस LNB में पावर जाता है। अगर हम इस LNB का कोई चैनल देखना चाहता है तो इस LNB में तब पावर जाता है, ठीक है। और ये वाला जो LNB, इसका पावर बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो एडाप्टर है इसका पावर उतना नहीं है कि एक ही साथ दोनों LNB को ऑन किया जाए, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव स्विच को यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग ये जॉइंटर की यूज़ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो सेटअप बॉक्स है और यहाँ पर जो एडाप्टर है, एडाप्टर का पावर उतना नहीं होता है, मतलब कि एम्पेयर के बारे में बता रहा हूँ मैं, उतना पावर नहीं होता है कि ये बॉक्स को भी पावर दे सके, फिर LNB 1 और LNB 2 सभी LNB को एक साथ पावर दे सके, क्योंकि ये अडाप्टर ज़्यादातर 1 एम्पेयर ही होता है। तो कुछ कुछ अडाप्टर ऐसा है कि उसमें 2 एम्पेयर का भी मिल जाता है। तो अगर हम 2 एम्पेयर का कोई अडाप्टर को यूज़ करते हैं तो ये बॉक्स को और फिर दोनों LNB को पावर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखेंगे अगर ये डिस्क्रिप्टिव स्विच की जगह ये जॉइंटर को यूज़ करते हैं क्या ये वाकई में काम करता है। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों ये जो LNB है ये और ये जो डिश है ये थाईकॉम पे सेट है, यहाँ से जो केबल जा रहा है ये टी जॉइनर जो है वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा हमने सेट किए हैं DDF डिश को, ये वाला 2 फुट का जो डिश है आप देख सकते हो, ये वाला जो डिश है इसको हमने सेट किए हैं DDF डिश में, और इसका केबल और ये थाईकम जो हमने सेट किए हैं 78 डिग्री, इसमें दोनों का केबल ये टी जॉइंटर में होके फिर जा रहा है सेटअप बॉक्स में, देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पहले से अलग अलग सेटेलाइट को लगा के स्कैन करना पड़ेगा, तो ये थाईकम को लगा के मैंने पहले से स्कैन किए, उसके बाद DDF डिश को लगा के अलग से स्कैन किए, बाद में हम ये टी जो जॉइनर है उसे जोड़ दिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो मैं कैमरा को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये बिग मैजिक जो चैनल है ये चल रहा है DDF डिश में, आप देख सकते हो इसका कितना सिग्नल आ रहा है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो TP के एंटेना सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे TP शो हो रहा है, बहुत ही अच्छा सिग्नल मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमने चार्जर मतलब के जो एडेप्टर है वो कितने यूज़ किए वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये वाला जो देख सकते हो ये वाला जो TP है ये जो थाईकॉम है उसका, तो ये बिग मैजिक जो गंगा चैनल है वो चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो DD काशीर बोल के चैनल, ये भी DDF डिश का चैनल है, और आप लोगों का भी थाईकॉम का भी दिखाएंगे। जैसे कि DW ये जो चैनल है ये थाईकॉम पे चल रहा है, ये थाईकॉम का फ्री वाला जो चैनल है वो। तो अगर स्विच करते हैं दोनों सेटेलाइट का चैनल के चैनल में तो देख सकते हो दोनों का सेटेलाइट का जो चैनल से वो चल रहा है, एक दो चैनल नहीं चलेगा वो अलग बात है, क्योंकि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कोई इशू है, क्योंकि वर्टिकल में आपका जितना वोल्टेज लगता है हॉरिजॉन्टल में उससे ज़्यादा वोल्टेज लगता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये MRTV जो है ये आपका थाईकॉम का चैनल है। दोस्तों ये टी जॉइनर हमने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव स्विच यूज़ नहीं किए है। ये फार्मर जो चैनल है ये भी आपका थाईकॉम का चैनल है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और अगर DDF डिश में स्विच करते हैं तो ये देख सकते हो ये जो चैनल है दोस्तों ये DDF डिश का चैनल है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमने यहाँ पे 2 एम्पेयर वाला एक अडाप्टर को यूज़ किए हैं जो डिश TV का बहुत पुराना वाला जो अडाप्टर होता है उसमें मिलता है, ठीक है। तो वो हमने यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छा है वो जो अडाप्टर है वो। और यहाँ पे देख सकते हो मैं डिफरेंट चैनल को स्विच कर रहा हूँ, ये सारा दी जो चैनल है ये यहाँ पे डिस्कवरी जो चैनल है उसी का एपिसोड यहाँ पे होता रहता है, ये फ्री चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है। तो MRTV स्पोर्ट्स ये चल रहा है, ये चैनल देखो ये भी चल रहा है, ये चैनल 5 जो है बहुत ही अच्छा चैनल है, इसमें हिंदी जो सीरियल्स है
वो डाबिंग होगी यहाँ पे होता है। ये देखो ये चैनल भी चल रहा है। अगर आप दोस्तों इसी जगह पे अगर मैंने ये दोनों केव बैंड का एलएनबी यूज़ किया, अगर आप चाहो तो एक सी बैंड और एक केव बैंड भी यूज़ कर सकते हो। ये चैनल नहीं चल रहा है, ये देख सकते हो, कुछ दो एक चैनल नहीं चलता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आप लोगों को कौन सा चैनल यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा चैनल स्कैन हो गया, क्योंकि हमने जो स्कैन किया वो अलग एलएनबी का जो पावर है इसे खोल दिए, फिर उसे लगाया, उसका चैनल स्कैन किए, फिर इसे लगाए, तो इसी हिसाब से पूरा चैनल लिस्ट पहले आ गया। तो अगर आप चाहो तो इसी जगह पे एक सी बैंड का एलएनबी भी लगा के टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि हमने एशिया सेट 7 को ट्रक करके फिर DDPD एक ही साथ टी जॉइनर को यूज़ करके किए थे। एशिया सेट का काफ़ी सारा चैनल चल रहा था और साथ में DDPD का बहुत सारा चैनल, DDPD में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो अगर आपके पास ये टी वाला जॉइनर है तो आप ज़रूर इसे टेस्ट करके देख सकते हो। चैनल तो बहुत ही अच्छा ही चल रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। और तो चलो अभी अडेप्टर भी देख लो, ये जो जा रहा है यहाँ पे, ये DISH TV का एक अडेप्टर है, इसे भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो थोड़ा ये टाइम लग गया, तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें लिखा है कितना, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का, 2000 mAh, ठीक है, मतलब 2000 mA, मतलब के 2 एम्पेयर की चार्जर होता है, अडेप्टर होता है, सॉरी। तो इसी को लगा के हमने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल में नए विजिट किए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल कर प्रेस कर दो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।